साथ में आपको ये नहीं कहूंगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगेगी तो आप खुद ही कर लोगे, अगर नहीं लगेगी तो नहीं करोगे। तो मैं तो खुद के लिए एक गाना गाना चाहूंगी, जद होने इरादे पक्के जद दुनिया मारे तक्के, मंजिल बहुती दूर नहीं मंजिल बहुती दूर नहीं। तो इस गाने को ना मैंने काफी टाइम से बस मुझे यही लाइन आती है इस गाने की, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज यही गाते हैं और अपनी अपनी खुद को ही अपनी मतलब कि क्या बोलते हैं यार उसको, कि खुद की मेहनत को खुद ही बढ़ाते हैं, क्योंकि आप तो कमेंट करते नहीं हो तो खुद की मेहनत मुझे खुद बढ़ानी पड़ती है, इसलिए मैं ऐसे गाने सुनती रहती हूँ। और भाई आज का व्लॉग भी बहुत दमदार होने वाला है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे फार्मर्स को आज अपने नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा है, तो ये भी भाई हामी भर रहे हैं और काफ़ी सारे फार्मर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जीव अमृत मैंने काफी सारे फार्मर्स को आज बांटा है। तो देखो आज का पूरा पूरा व्लॉग। ये मेरा ना 15वां अटेम्प्ट है, अब जो भी मैं बोलूँगी उसे ध्यानपूर्वक आप सुन भी लेना और समझ भी जाना, पता नहीं कितनी गलतियाँ कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया आज, तो चलो शांत। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग ऑफ प्राकृतिक खेती। सो कैसा है मेरा पूरा परिवार, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में बहुत खुश होंगे और आप सबकी कृपा से मेरा जीवन भी काफ़ी खुशहाल चल रहा है, क्योंकि आप सभी मेरी वीडियोज़ को काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, सो थैंक यू सो मच। तो आज हम सबसे पहले अपने जो घराल है वहाँ पर मैंने सुबह से गोबर को इकट्ठा करके रखा है, क्योंकि घर के काम ही नहीं समाप्त हो रहे यार, तो मुझे काम का समाप्त करते करते शाम हो चुकी है, अब शाम का वक्त आ चुका है, तो मैंने घराल में जाके गंजीव अमृत बना लेती हूँ और आप सबके साथ शेयर भी कर देती हूँ, क्योंकि आप भूल जाओगे फिर प्राकृतिक खेती क्या चीज़ है अगर मैंने एक दिन भी मिस कर दिया तो। तो इसलिए मैं आ चुकी हूँ आज भी गंजीव अमृत के साथ और जीव अमृत के साथ और अपने फसलों के रिजल्ट्स के साथ, तो चलो मिलकर करते हैं सारे काम। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत बहुत पसंद आएगा, और आज एक कमेंट भी कर देना, एक ही कर देना, ज़्यादा मत करना, और लाइक शेयर तो अभी से कर देना मेरी हिम्मत को और बढ़ाने के लिए। आज मेरे मुंह पे खुशी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मेरी वीडियोज़ को आप बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हो, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो चलो अब जल्दी से करते हैं काम, क्योंकि लेट नहीं कर रहा है, फिर शाम को खाना भी बनाना होता है, इसलिए लेट्स गो गाइज। है हमारी वो घराल जहाँ पर हम अपनी गायों को बांधते हैं, और यहाँ पर मैंने गोबर का ढेर लगा दिया है, और ना इनको घास डाला हुआ था रात को, वो डंडों वाला घास, वो वाला, तो डंडे भी वैसे पड़े हुए हैं। तो चलो सारे काम निपटा लेते हैं अब जल्दी से, मेरा पूरा सपोर्ट करना है, आपने मुझे आधे रास्ते में छोड़ के नहीं जाना है, इसलिए ब्लॉग को पूरा देखना है। आपको कहीं पर सेट कर देती हूँ अब। सो गाइज आज मुझे ना काफ़ी अच्छा सेटअप मिल गया, मुझे ना टोकरी मिल गई, मैंने टोकरी के ऊपर आपको रख दिया है, और आप देखो मेरा पूरा काम। तो मम्मी ने रखा है हमारे जैसा ही लंबा झाड़ू, ताकि हमें झुकना ना पड़े और हमारा लाख ना टूट जाए। झाड़ू बाद में लगाते हैं, पहले उठा लेते हैं लकड़ियों को। देखो गाइस ये मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर दिया और इसे बांध भी दिया, लकड़ियों के साथ ही इसे बांधते हैं, तो थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, और ये हाथ में गोबर लग गया, ये वाला घास होता है, कामड़ बोलते हैं हम इसे अपनी लैंग्वेज में, तो इसके पत्ते वत्ते जो हमारी गायें खा लेती हैं, डंडे डंडे बचते हैं, उनको इस तरह से बांध के रख लेते हैं, फिर जब ये पूरी तरह सूख जाते हैं तब जलाने के काम आते हैं, ये पर रखाते हैं इसे। चलो भारी है, मजाक मत समझो, सील है ना, ये देखो इसने तो मेरी मुंडी काट दी नहीं थी, आई आई यो फंस गई ना मैं, तो बढ़िया जाएगा ये, तो ये बस काफी इतना। गया आपका ठाकुर तो गियो, मैंने उठा दिया, अब सिर्फ झाड़ू लगाना रहा है यहाँ पे बाकी, तो वो भी लगा देती हूँ मैं, और आपको रखूंगी यहाँ पर टोकरी पे।
डन हो गया, झाड़ू भी लगा दिया, बचता है गोबर। तो गोबर की हम बनाएंगे खाद। खाद हमने डेली क्यों बनानी होती है, एक तो समय की बचत हो रही है। समय की बचत किस तरह से होती है कि ये जो गोबर है अगर हम इसे खेत में फेंकने जाएंगे तब टाइम भी लगेगा और मेहनत भी लगेगी। तो जब हम इसकी खाद बना लेते हैं दो काम होते हैं, एक तो मेहनत भी कम लगती है और घर बैठे ही सारे काम हो जाते हैं, और दूसरा ये होता है, और ये सबसे फ़ायदेमंद होती है, मेन चीज़ तो यही है, वो जो हम खेत में फेंक के आते हैं माल वो तो वेस्ट होता है, वो तो मिट्टी होती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, और इसका तो फ़ायदे फ़ायदे ही फ़ायदे। तो इसलिए हम घन जीवामृत बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए तिरपाल, तो वो छत पे पड़ी है, तो चलो लेकर आते हैं। आज हम इस स्ट्रॉन्ग वाली तिरपाल का प्रयोग करेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। किया कि ना छत पर ही बना लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने तिरपाल लगा दी है, बाकी सामान लेके आते हैं नीचे से। तसला इसमें मैंने डाल लिया है गोबर, और ये मैं लेकर आई हूँ दूसरी वाली साइड से, जहाँ पर हम सुबह बांधते हैं अपनी गायों को, तो वहाँ पर भी किया था, तो इसे ले आई हूँ। और इसे अब डालना है मैंने, तो पहले घास निकाल लेते हैं इसका। और मैंने ना यहाँ पर सारी चीज़ें ले आकर रख ली हैं, और तिरपाल काफ़ी अच्छा था इसलिए मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ, और थोड़ी देर मैंने सोचा बैठ जाती हूँ। गोबर रख लिया है, और गुड़ बेसन जो हमें चाहिए तो चीज़ें वो भी रख ली है यहाँ पे। तो करते हैं काम को शुरू। यहाँ पर ना फ़ोन की डायरेक्शन भी रखने के लिए अच्छी खासी जगह मिल गई है मुझे, और ये गोबर भी अच्छे तरीके से मिल रहा है सारी चीज़ें, और मैं भी आराम से बैठ गई हूँ यहाँ पे। तो ये रहा हमारा बेसन जो हमें चाहिए होता है, और ये लिफाफे के ऊपर ही मैंने मिट्टी रखी हुई है, मिल रही है क्या? यहाँ ये मिट्टी है और इसके अंदर गुड़ है, ये मिट्टी ऊपर रखी हुई है मैंने। और ये रहा एक और तसला, दो तसले हो गए हैं हमारे काफ़ी अच्छे बड़े बड़े, तो इसको भी निकाल लेते हैं। दो तसले हो गए, और अब हमने क्या करना है, पहले मैं लेकर आती हूँ फावड़ा, एक चीज़ रहेगी है फावड़ा लेकर आती हूँ। अभी मैं फावड़ा भी लेकर आ गई हूँ, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, गोबर के चीथड़े करने होते हैं, तो वो कर लेती हूँ पहले मैं। मैंने अब गोबर के चीथड़े भी कर लिए अच्छे तरीके से, फैला लिया इसे। अब हम डालेंगे बेसन एक मुट्ठी, अब हम डालेंगे मिट्टी वो भी एक मुट्ठी मिट्टी, अब हम डालेंगे गुड़, डालेंगे गुड़ इतना सा काफी है, इसे भी हमने हमेशा पीस कर ही डालना है। ये मैं इसके पीसेस कर रही हूँ छोटे छोटे। तो अब सारी चीजें डाल ली, अब हमने इसे करना है मिक्स, किसकी हेल्प से, फावड़े की मदद से। यहाँ पर मैंने इसे
इसे मिक्स भी कर लिया। और अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर धूप पड़ रही है, इसी टाइम पड़ती है वैसे, पर चलो अब तो पड़ रही है ना, तो हम क्या करेंगे इसे उठा के पीछे छाया है वहां पर रख देते हैं। फाइनली डन। मैंने इसे छाया में भी रख दिया और मेरा सारा काम ये समाप्त हो गया है गंजीव अमृत बनाने का। तो और ये रहा बाकी सामान, हमने अपनी ब्रोकली को हार्वेस्ट करना है, तो दिखाती हूँ कि जीव अमृत और गंजीव अमृत और जंगल की कंडी से क्या असर पड़ा है हमारी ब्रोकली पे। और निकाल लेते हैं आज उसे भी, पहले तो थोड़ी थक गई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ यहीं पे। रेस्ट अब चलते हैं, ज़्यादा रेस्ट नहीं करनी चाहिए। हो गए सीन को ऐसे अमृत मैंने बना लिया है और अब हमने करनी है ब्रोकली हार्वेस्ट। तो उसके लिए चाहिए मुझे चाकू और चाहिए मुझे बकेट जिसमें मैं डालूंगी। तो चलो घर से वो लेकर आते हैं, फिर करते हैं ब्रोकली हार्वेस्ट और दिखाते हैं आपको सारे रिजल्ट्स। ये चाकू छुरी के साथ मैं आ चुकी हूँ अपने बर्तनों के साथ, अब करते हैं ब्रोकली हार्वेस्ट और दिखाते हैं आपको रिजल्ट। तो मेरा ना जो किचन गार्डन है यही देख लो, यहाँ पर प्याज लगाए हैं, यहाँ पे गोभी और यहाँ पर फिर से प्याज और यहाँ पर ब्रोकली। तो ये है हमारी ब्रोकली, यहाँ से शुरू है हमारी ब्रोकली। और ये देखो कितने बड़े बड़े पीसीज हो गया ना, ये छोटे हैं अभी, ये लग रहे हैं, ये पिछले हफ्ते हमने इनको हार्वेस्ट किया है तो अब ये फिर से लग रहे हैं। और ये जो है ये बड़े बड़े हो गए हैं, तो इनको आज हार्वेस्ट कर लेते हैं। पता नहीं आपको मैं अब मिलूंगी कि नहीं, पर मैंने यहाँ पर बहुत मुश्किल से फ़ोन को सेट किया है, तो चलो अब हार्वेस्ट कर लेते हैं। मिल भी हो ना, ये ब्रोकली है, मिल भी है, मेरे को तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसे नीचे रख देती हूँ। और ये आ गया सेकंड पीस, कितने बड़े बड़े पीसेस निकले हैं ब्रोकली के, काफ़ी अच्छे हो गया ये। जब हमने पहली बार ही जीव अमृत को दिया था ना, तब बहुत छोटे छोटे से थे, फिर मैंने रेगुलर स्प्रे की और देखो रिजल्ट्स आपके पास हैं, कितने बड़े बड़े हो गया ये। तो मैंने सोचा अब थंबनेल के लिए पिक्चर्स ले लेती हूँ घनजीव अमृत के साथ और चलते हैं सीधे छत पर, क्योंकि घनजीव अमृत तो छत पर ही है ना। मैंने अब अतरंगी सी फोटोग्राफ्स ले लिए अपने थंबनेल के लिए और ये जो पीसेस हैं इनको लेकर चलते हैं, और ये सुबह का जुगाड़ हो गया है तो चलो चलते हैं सीधा घर। जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि जो मैंने जीव अमृत बनाया है वो डिमांड पे आया है, तो मैंने अभी सारे केमिकल वाले फार्मरों को फ़ोन करके कहा है कि जो स्प्रे मैंने बनाई थी वो तैयार हो चुकी है, तो आप ले जाएं आकर। तो अब देखते हैं कौन कौन आता है और कौन कौन नहीं, फ़ोन तो मैंने वैसे सबको कर दिया है, अब देखते हैं कितना लेते हैं और कितना नहीं। उसको मैंने कॉल की तो फार्मर्स आने वाले हैं, तो मैंने सोचा जल्दी से जल्दी बिल भी तैयार कर लेते हैं। तो ये हमें सरकार ने प्रोवाइड करवाया हुआ है संसाधन भंडार, और उसी के साथ ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं हमें, बिल बुक वगैरह सब कुछ। तो जो बंदे मतलब खुद बना नहीं सकते वो हमसे ख़रीद सकते हैं स्प्रे, और वो भी बहुत ही कम दामों पर, तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया है और इससे किसान अब थोड़े अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और लेते भी हैं। सो अभी मैं बिल तैयार कर देती हूँ। चाची जी हैं, इन्होंने भी, आप भी खेती करते हो है ना, लहसुन प्याज लगाया ना तुम्हें भी, हाँ जी। तो इनको मैं देने वाली हूँ स्प्रे, और ये रहा इनका बिल, तो ये लेना चाहते हैं 5 लीटर दो। तो देखते हैं हमारे जीव अमृत, आज मैंने अभी तक इसे घोला भी नहीं है, तो साथ में करते हैं सारे काम। और ये है हमारा जीव अमृत, आज पहले कस्टमर हैं ये हमारे चाची जी, और भी आ रहे हैं, तो पहले इसे घोल लेते हैं फिर देते हैं इनको। पूरा 5 लीटर है, तो ये मैं डाल देती हूँ इनकी बाल्टी में। और ये है हमारे दूसरे कस्टमर, और इन्होंने भी यहाँ पे लगाया, ये हमारे पड़ोसी फार्मर हैं, ये घर के पास ही हैं, तो इन्होंने ये पूरी खेती में देना है। तो आपने तो ये दोनों बाल्टियाँ मैंने ये एक 7 लीटर की कर दी है और एक 5 लीटर की, चलो
यो गई में केमिकल वाले फार्मर, तो मैंने इनको अच्छे तरीके से अब समझा भी दिया है कि किस तरह से देना है, तो फार्मर अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो फाइनली मुझे थोड़ी बहुत सक्सेस मिल रही है और ये भी काफी प्रसन्न है। और आप मुझे बताओगे कि आपको क्या क्या रिजल्ट मिले हैं, ठीक है, स्प्रे करने के बाद। तो चलो फोटो क्लिक कर लेती हूँ। सक्सेस मिल रही है, फार्मर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम मेरा पूरा गांव मैं इसी तरह से एक एक करके जोड़ लूँगी। आज मैंने वैसे मोस्ट ऑफ द फार्मर्स को फ़ोन किया था, कई कहते बाद में ले लेंगे, कई कह रहे हैं अभी हमें ज़रूरत नहीं है। चलो जो भी होगा, जितने भी हो पाएंगे, एक दो ही सही आ तो रहे हैं ना। चलो अब मैं क्या कर लेती हूँ, अब मैं बिल दे देती हूँ उनको जो लेट आए थे। आज के इस प्राकृतिक खेती के ब्लॉग को हम मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि अभी घर के काम बहुत सारे मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेट काफ़ी ज़्यादा हो गई हूँ, तो इसलिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। तो चलो मिलते हैं आपको कल एक और नए ब्लॉग के साथ, और आज काफ़ी सारे फार्मर्स को मैंने प्राकृतिक खेती की तरफ भी अट्रैक्ट किया, तो इसके लिए भी एक लाइक तो बनता है। तो बाय बाय, मिलते हैं आपको कल।